हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया ब्लू स्कोर क्या होता है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपको बताया था कि ब्लू स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए हमें एन ग्राम प्रिसिशन का यूज़ करना पड़ता है। इस वीडियो में हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे ब्लू स्कोर कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड एन ग्राम प्रिसिशन। हमारे पास मशीन ट्रांसलेटेड आउटपुट है, यानी कि ये हमारा कैंडिडेट सेंटेंस है। जो भी इनपुट में लैंग्वेज दी गई होगी, चाहे हिंदी, मराठी, किसी भी लैंग्वेज में जो सेंटेंस दिया होगा, उसका जो ट्रांसलेटेड आउटपुट प्रोड्यूस किया है मशीन ने, वो है द कैट ऑन द मैट। और जो रेफरेंस सेंटेंसेस हैं वो हैं देयर इज़ ए कैट ऑन द मैट एंड द कैट इज़ ऑन द मैट। ये दो रेफरेंस सेंटेंस दिए गए हैं, यानी कि जो गिवन इनपुट लैंग्वेज में सेंटेंस दिया गया था उसका जो ट्रांसलेशन होना चाहिए था वो ये दोनों होने चाहिए थे, लेकिन जो मशीन ने आउटपुट जनरेट किया है वो किया है द कैट ऑन द मैट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना मैच कर रहा है गिवन रेफरेंस सेंटेंस से। तो उसके लिए पहले हम ले रहे हैं यूनिग्राम प्रिसिशन। यूनिग्राम मतलब सिंगल सिंगल वर्ड्स को हम लेंगे कैंडिडेट सेंटेंस के और उसको मैच करेंगे रेफरेंस सेंटेंस में कि वो कितनी बार आया है। जितनी बार आया होगा हम उतनी बार उसका काउंट लिखेंगे। जैसे अगर हम इस कैंडिडेट सेंटेंस में देखें तो इसमें द वर्ड है, कैट है, ऑन है और मैट है, जो यूनिक वर्ड्स हैं। तो यूनिक यूनिग्राम्स जो हैं वो ये फोर वर्ड्स हैं इस कैंडिडेट सेंटेंस के अंदर। अब इनका हमें काउंट या स्कोर फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस सेंटेंस। तो जो द है, क्या वो इन किसी भी रेफरेंस सेंटेंस में आ रहा है? यस, आ रहा है, मैच हो रहा है। तो द कितनी बार आया है हमारा? 1, 2 एंड 3। तो ये 3 हो जाएगा इसका स्कोर। कैट मैच हो रहा है? यस। कैट कितनी बार है इसमें? 1 एंड 2, तो इसका स्कोर हो गया 2। ऑन मैच हो रहा है? यस। तो ऑन कितनी बार आया है? 1 टाइम। और मैट भी मैच हो रहा है रेफरेंस सेंटेंस से, लेकिन मैट कितनी बार है कैंडिडेट सेंटेंस में? 1 टाइम। तो इसका स्कोर या काउंट हो जाएगा 1। अब इन सब का हम टोटल निकालेंगे। तो टोटल काउंट फॉर द यूनिक यूनिग्राम इन द कैंडिडेट सेंटेंस इक्वल्स टू क्या आया? 7। ये जो स्कोर आया है टोटल, ये होना चाहिए 0 एंड 1 के बिटवीन, क्योंकि हमने क्या कहा था कि स्कोर शुड बी, ब्लू स्कोर शुड बी बिटवीन 0 टू 1, लेकिन ये 0 टू 1 तो नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? यूनिग्राम प्रिसिशन फाइंड आउट करेंगे। यूनिग्राम प्रिसिशन में हम क्या करेंगे, ये जो टोटल काउंट हमने फाइंड आउट किया है उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिग्राम्स इन कैंडिडेट सेंटेंस। कैंडिडेट सेंटेंस हमारा था द कैट ऑन द मैट, ये टोटल यूनिग्राम्स हो गए कैंडिडेट सेंटेंस में 7। तो 7 ये काउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन कैंडिडेट सेंटेंस भी 7 है, तो 7/7 इज 1.0। यहाँ पर जो यूनिग्राम प्रिसिशन आया है 1.0, इस ये क्या बता रहा है कि जो ट्रांसलेटेड आउटपुट आया है वो सही है। क्या ये सही आया है? नहीं आया है। इसकी कुछ प्रॉब्लम है जो हम देखेंगे आगे कि इस एनग्राम प्रिसिशन में क्या प्रॉब्लम आती है। तो हम मॉडिफाइड एनग्राम प्रिसिशन का यूज़ करेंगे। ये तो हमने यूनिग्राम प्रिसिशन निकाला। अगर हम बाईग्राम प्रिसिशन निकालना चाहते हैं तो बाईग्राम प्रिसिशन में हमें क्या देखना पड़ेगा? दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, क्योंकि बाईग्राम मतलब सीक्वेंस ऑफ टू वर्ड्स। तो कैंडिडेट सेंटेंस क्या था? द कैट ऑन द मैट। तो द कैट ये एक कॉम्बिनेशन हो गया टू वर्ड्स का, एक कैट द ये हो गया, नेक्स्ट द कैट तो वैसा ही आ रहा है, कैट ऑन एक पेयर हमें ये मिल गया टू वर्ड्स का, ऑन द ये एक पेयर मिल गया और द मैट। तो इस टाइप से ये दो वर्ड्स का हमें सीक्वेंस मिल गया, तो ये क्या होगा? बाईग्राम। तो टोटल ये 5 पेयर्स हमें मिले हैं कैंडिडेट सेंटेंस से, 5 ये यूनिक बाईग्राम सीक्वेंस है हमारे पास। अब इनका स्कोर फाइंड आउट करना है, तो इसका स्कोर या काउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि द कैट रेफरेंस स्ट्रिंग से मैच हो रही है कि नहीं। रेफरेंस स्ट्रिंग में द कैट एक साथ है, यस मैच हो रहा है इसे। तो अब हम देखेंगे कि कैंडिडेट सेंटेंस में कितनी बार है द कैट 2 बार है, तो इसका स्कोर कितना हो गया? 2। फिर नेक्स्ट है कैट द, इसका स्कोर 0 होगा क्योंकि कैट द कहीं पर भी नहीं है रेफरेंस स्ट्रिंग में। देखो कैट के बाद द कहीं पर है क्या साथ में? नहीं है रेफरेंस सेंटेंस में, इसीलिए इसका स्कोर होगा 0। तो इसका स्कोर 0 कर लेना। कैट ऑन, कैट ऑन है, यस कैट ऑन है रेफरेंस सेंटेंस में। तो यहाँ पर कैट ऑन कितनी बार आ रहा है?
एक ही बार आ रहा है तो इसका स्कोर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्या है, ऑन द, द साथ में है यस, तो कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, तो ऑन द यही एक ही बार रहेगा। अब देखेंगे हम द मैट, रेफरेंस में द मैट एक साथ आ रहा है यस, तो द मैट कितनी बार आ रहा है कैंडिडेट सेंटेंस में 1 टाइम, तो स्कोर हमें मिल गया 20111, तो ये कितना हो जाएगा 5, टोटल काउंट कितना हो जाएगा 5। तो बायग्राम प्रिसिशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये टोटल काउंट को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ बायग्राम्स इन कैंडिडेट सेंटेंस। तो टोटल नंबर ऑफ बायग्राम्स कैंडिडेट सेंटेंस में कितने हैं, एक तो द कैट है, एक है कैट द, फिर द कैट यहाँ पर एक बार और रिपीट हुआ था, तो द कैट जो है वो कितनी बार आ रहा है 2 बार, कैट ऑन कितनी बार है 1 बार, ऑन द कितनी बार है 1 बार, और द मैट कितनी बार है 1 बार, तो टोटल कितने हो गए बायग्राम्स, ये हो गए 6। 5 तो ये यूनिक बायग्राम्स हैं और द कैट 2 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए ये कितना हो जाएगा 5+1 यानी कि 6। तो टोटल नंबर ऑफ बायग्राम्स कितने हैं कैंडिडेट सेंटेंस में 6। तो बायग्राम प्रिसिशन क्या हो जाएगा, टोटल काउंट 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बायग्राम 6, यानी ये आ गया 0.833। अगर हम एनग्राम का ड्रॉबैक देखें तो यूनिग्राम जो प्रिसिजन है इज़ वेरी ईजी टू ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ मशीन ट्रांसलेशन। जो यूनिग्राम प्रिसिशन है वो बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है मशीन ट्रांसलेशन की क्वालिटी में। इसका मतलब क्या है कि अगर सेंटेंस गलत भी होगा तो भी वो स्कोर क्या दे देता है 1। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ऑफ पुअर मशीन ट्रांसलेशन आउटपुट विथ हायर प्रिसिजन, पुअर मशीन ट्रांसलेशन हुआ यानी कि टोटली रॉन्ग आंसर उसने ट्रांसलेट करके दिया है मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम ने, फिर भी यूनिग्राम प्रिसिजन हमें क्या देगा, हायर प्रिसिजन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैंडिडेट सेंटेंस था 7 टाइम्स द, आना चाहिए था द कैट, देयर इज कैट ऑन द मैट या द कैट इज़ ऑन द मैट, लेकिन आंसर क्या आया है 7 टाइम्स द। तो अगर हम यूनिग्राम प्रिसिजन की बात करें तो ये क्या होगा, इसका काउंट कितना हो जाएगा 7। इस कैंडिडेट सेंटेंस का द जो है वो रेफरेंस सेंटेंस से मैच कर रहा है, क्योंकि आंसर हो सकता था द कैट इज़ ऑन द मैट, तो द आ रहा है एक रेफरेंस सेंटेंस में, तो ये कितनी बार आ रहा है लेकिन कैंडिडेट सेंटेंस में 7, तो यूनिग्राम प्रिसिशन क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिग्राम्स इन कैंडिडेट सेंटेंस, और यूनिग्राम्स कितने हैं 7, तो 7/7 इज 1.0, तो स्कोर आ गया 1। क्या ये करेक्ट सेंटेंस है, क्या ये करेक्ट ट्रांसलेटेड वर्ड है, नहीं है, फिर भी इसने क्या दिया है, इसका हायर प्रिसिशन दिया है कि ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है रेफरेंस सेंटेंस से। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है एनग्राम प्रिसिशन की, जिसके लिए हमें मॉडिफाइड एनग्राम प्रिसिशन को यूज़ करना पड़ता है। तो टू ओवरकम द यूनिग्राम प्रिसिशन प्रॉब्लम या एनग्राम प्रिसिशन प्रॉब्लम, क्लिप्ड काउंट एंड मॉडिफाइड प्रिसिशन वर प्रपोज्ड। तो इस यूनिग्राम या एनग्राम प्रिसिशन प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम क्लिप्ड काउंट का यूज़ करते हैं, यानी काउंट नहीं यूज़ करके क्लिप्ड काउंट यूज़ करते हैं और मॉडिफाइड प्रिसिजन को यूज़ करते हैं। तो मॉडिफाइड एनग्राम प्रिसिजन कैसे वर्क करता है, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये कैंडिडेट सेंटेंस हमारा वही है, द कैट ऑन द मैट, रेफरेंस सेंटेंस 2 दिए हुए हैं, देयर इज़ अ कैट ऑन द मैट, द कैट इज़ ऑन द मैट। अब इसका यूनिग्राम मॉडिफाइड प्रिसिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें यूनिक यूनिग्राम कौन से हैं, द कैट ऑन मैट, 4 ये यूनिग्राम यूनिक यूनिग्राम्स हैं, द मैच कर रहा है रेफरेंस सेंटेंस से यस, द कितनी बार है हमारी इस कैंडिडेट सेंटेंस में 3 टाइम्स, ऐसा हम एनग्राम प्रिसिजन में करते थे। मॉडिफाइड प्रिसिजन में क्या होगा, ये चेक होगा कि रेफरेंस में ये कितनी बार आ रहा है, रेफरेंस में देखो यहाँ पर सिंगल टाइम आ रहा है, यहाँ पर 2 बार आ रहा है द, तो हम इसका मानेंगे कि रेफरेंस स्ट्रिंग का जो काउंट है द के लिए वो मैक्सिमम 2 है, कि 2 टाइम मैक्सिमम आ सकता है। अब कैंडिडेट सेंटेंस में द कितनी बार आया, 3 टाइम्स, लेकिन रेफरेंस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हम देखें तो द मैक्सिमम 2 टाइम्स आ सकता है, क्योंकि ये जो काउंट है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है रेफरेंस के मैक्सिमम काउंट से, तो उस केस में हम 3 को रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा क्लिप्ड काउंट। हमने काउंट की वैल्यू को 3 से क्या कर दिया, 2 कर। कैट मैच कर रहा है रेफरेंस सेंटेंस से यस, कैट कितनी बार है कैंडिडेट सेंटेंस में, 2 टाइम्स, इसका काउंट 2 हो गया। लेकिन अगर हम रेफरेंस सेंटेंस में देखें तो कैट वर्ड जो है वो सिंगल टाइम ही आ सकता था, तो इसका रेफरेंस में काउंट क्या है 1, लेकिन जो हमने कैंडिडेट सेंटेंस में देखा उसका काउंट क्या था 2,
तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, वन से, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू आती है क्लिप्ड काउंट में। अब ऑन जो है वो कैंडिडेट सेंटेंस में भी वन टाइम आ रहा है और रेफरेंस में भी वन टाइम आ रहा है, तो ये क्लिप्ड काउंट वन ही रहेगा। मैट जो है कैंडिडेट सेंटेंस में वन टाइम आ रहा है और रेफरेंस सेंटेंस में भी वन टाइम आ रहा है, तो इसका क्लिप्ड काउंट यही रहेगा। अब हम काउंट का टोटल नहीं लेके, क्लिप्ड काउंट का टोटल लेके, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 5। तो क्योंकि ये स्कोर जो आया है वो ग्रेटर देन 1 आया है, जबकि हमें स्कोर चाहिए होता है बिटवीन 0 to 1, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस क्लिप्ड काउंट को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिग्राम्स इन गिवन सेंटेंस। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिग्राम्स यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं कैंडिडेट सेंटेंस में, 7, तो 5/7 स्कोर आ गया 0.714। अब बाइग्राम प्रिसिशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम देखेंगे यूनिक बाइग्राम कौन कौन से हैं कैंडिडेट सेंटेंस में। द कैट, कैट द, कैट ऑन द और द मैट, ये टोटल 5 यूनिक बाइग्राम्स हैं कैंडिडेट सेंटेंस में। अब इनका अगर हम काउंट देखें तो द कैट जो है वो 2 बार आ रहा है कैंडिडेट सेंटेंस में, इसीलिए इसका काउंट 2 होता जैसे हमने एनग्राम में किया था। लेकिन अगर हम देखें तो रेफरेंस में द कैट कितनी बार आ रहा है, मैक्सिमम द कैट सिर्फ एक ही बार आ सकता है, तो इसका क्लिप्ड काउंट क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि रेफरेंस में वो द कैट एक ही बार आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, कैट द, कैट द अगर हम देखें रेफरेंस में कहीं पर भी नहीं आ रहा है कैट द, तो इसका काउंट क्या हो जाएगा, 0। अब कैट ऑन रेफरेंस सेंटेंस में एक ही बार आ रहा है तो क्लिप्ड काउंट 1 हो जाएगा। ऑन द रेफरेंस सेंटेंस में एक ही बार आ रहा है तो इसका भी क्लिप्ड काउंट 1 हो जाएगा। द मेट भी एक बार आ रहा है तो इसका क्लिप्ड काउंट 1 हो जाएगा। अब हमें इसे काउंट को तो लेना नहीं है, हमें क्लिप्ड काउंट को लेना है मॉडिफाइड एनग्राम प्रिसीजन में। तो टोटल क्लिप्ड काउंट कितना हो, काउंट कितना हो गया, 4, और टोटल नंबर ऑफ बायोग्राम्स कितने हैं, 6। ठीक है, कौन कौन से हैं, 5 तो ये हो गए और द कैट 2 बार है, तो 4 बाय, तो बायोग्राम प्रिसीजन कितना हो जाएगा, 4/6 यानी 0.667। तो अगर हम सेम एग्जांपल देखें जो प्रॉब्लम कर रहा था एनग्राम प्रिसीजन में, उसके लिए हम देखें मॉडिफाइड एनग्राम प्रिसीजन से क्या आंसर आएगा। अगर कैंडिडेट सेंटेंस हमारा द 7 टाइम्स है और रेफरेंस स्ट्रिंग, रेफरेंस सेंटेंस हमारे वही हैं, देयर इज़ ए कैट ऑन दी मैट, द कैट इज़ ऑन द मैट, इस केस में हम देखें कि यूनिक यूनिग्राम कितना है, द है, ये मैच हो रहा है किससे, रेफरेंस से, यस, इसका काउंट कितना आएगा, 7, क्योंकि 7 टाइप है, 7 टाइम्स है। लेकिन रेफरेंस स्ट्रिंग में जो द है वो मैक्सिमम कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो इसका क्लिप्ड काउंट कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिग्राम्स या नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए कैंडिडेट सेंटेंस, वो कितने, 7, तो इसका प्रिसीजन आ जाएगा 2/7। क्या ये 1 आएगा, नहीं आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.286। तो क्या अब ये 1 आ रहा है क्या प्रिसीजन, नहीं आ रहा है, जबकि हमने एनग्राम प्रिसीजन में देखा था कि इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 1, अब कितनी आई है, 0.286। तो मॉडिफाइड प्रिसीजन जो है, मॉडिफाइड एनग्राम प्रिसीजन जो है वो बेटर वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू एनग्राम प्रिसीजन। बट इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन मॉडिफाइड एनग्राम प्रिसीजन, ब्लू स्कोर टेंड टू फेवर शॉर्ट ट्रांसलेशन विच कैन प्रोड्यूस वेरी हाई प्रिसीजन स्कोर्स इवन यूजिंग मॉडिफाइड प्रिसीजन। तो मॉडिफाइड एनग्राम प्रिसीजन की क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपका शॉर्ट ट्रांसलेशन है, आपको जो ट्रांसलेटेड सेंटेंस आया है उसकी लेंथ स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू रेफरेंस स्ट्रिंग, तब भी वो उसका हाई प्रिसीजन प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कैंडिडेट सेंटेंस था द और रेफरेंस सेंटेंस था द कैट इज़ ऑन द मैट, तो द मैच कर रहा है, रेफरेंस सेंटेंस से द मैच कर रहा है, तो इसका काउंट कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, और क्लिप्ड काउंट भी 1 रहेगा, भले रेफरेंस में 2 बार आ रहा है, मिनिमम वैल्यू किसकी है, काउंट की है, तो इसका काउंट कितना हो गया, 1, और कैट का भी कितना काउंट हो जाएगा, 1, तो 1+1 2, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या यूनिग्राम्स कितने कैंडिडेट सेंटेंस में, 2, तो 2/2 इज़ 1, ठीक है, हाई प्रिसीजन प्रोवाइड किया है। क्या द कैट और द कैट इज़ ऑन द मैट सेम है क्या, नहीं है, जो कैंडिडेट सेंटेंस है उसमें सिर्फ 2 वर्ड्स थे और इसमें कितने हैं, 5 वर्ड्स 6 वर्ड्स, क्या ये दोनों मैच कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, फिर भी इसने हाई प्रिसीजन दे दिया कि ये मैच कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है कि मॉडिफाइड प्रिसीजन, मॉडिफाइड एनग्राम प्रिसीजन यूज़ करने के बावजूद हमें जो स्मॉलर कैंडिडेट सेंटेंसेस होते हैं उसका प्रिसीजन हायर मिलता है, उसका स्कोर हायर मिलता है ब्लू स्कोर यूज़ करने पर भी। तो उस केस में ब्लू स्कोर को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक ब्रेविटी पेनल्टी को ऐड करना पड़ता है। कब ये ब्रेविटी पेनल्टी यूज़ होगी, जब
जो कैंडिडेट सेंटेंस है उसकी लेंथ जो होगी वो रेफरेंस सेंटेंस से लेसर होगी। ही इज लेंथ ऑफ कैंडिडेट सेंटेंस है और क्या है लेंथ ऑफ रेफरेंस सेंटेंस। कैंडिडेट सेंटेंस की लेंथ मतलब इसकी लेंथ क्या है 2 क्योंकि इसमें 2 वर्ड्स हैं। रेफरेंस लेंथ कितनी है, रेफरेंस सेंटेंस की लेंथ कितनी है 6 क्योंकि इसमें 6 वर्ड्स हैं। अगर कैंडिडेट सेंटेंस की लेंथ ग्रेटर देन होगी रेफरेंस सेंटेंस से तो उस केस में ब्रेविटी पेनल्टी ऐड नहीं होगी, उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। लेकिन अगर कैंडिडेट सेंटेंस जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू है रेफरेंस सेंटेंस के तो उस केस में ई टू द पावर 1 माइनस आर बाय सी उसको कंसीडर किया जाता है ब्लू स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे हमारे में ये लेंथ ऑफ कैंडिडेट सेंटेंस क्या है 2 और रेफरेंस सेंटेंस की लेंथ क्या है 6 क्योंकि सी जो है वो लेस देन आर है तो ब्रेविटी पेनल्टी क्या हो जाएगी ई टू द पावर 1 माइनस 6 बाय 2 यानी 1 माइनस 3 यानी ई टू द पावर माइनस 2। तो अगर शॉर्टर सेंटेंस है जो ट्रांसलेटेड सेंटेंस आया है कैंडिडेट सेंटेंस है उसके अगर उसकी लेंथ लेस देन रेफरेंस सेंटेंस है तो उस केस में हमें ब्रेविटी पेनल्टी को कैलकुलेट करना पड़ता है जिससे जो प्रिसिजन प्रोड्यूस हो, जो स्कोर जनरेट हो, ब्लू स्कोर जनरेट हो वो सही जनरेट हो। तो ब्लू स्कोर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ब्रेविटी पेनल्टी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाय एन समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू एन पी एन। यहाँ पर ये क्या है, ये वाला टर्म जो है ये है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल एनग्राम प्रेसिजंस। जितने भी आपने प्रेसिजंस फाइंड आउट किए हैं उनका समीशन करना होगा, फिर उसका एक्सपोनेंशियल लेना होगा और फिर उसको ब्रेविटी पेनल्टी से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें ब्लू स्कोर मिल जाएगा। 1 यूनिग्राम, बायग्राम और ट्राइग्राम तीनों प्रेसिजंस अप्लाई किए तो एन यहाँ पर कैपिटल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो प्रेसिजन ऑफ यूनिग्राम प्लस प्रेसिजन ऑफ बायग्राम प्लस प्रेसिजन ऑफ ट्राइग्राम इनका प्रेसिजन ऐड करके 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर उसका एक्सपोनेंशियल लेके ब्रेविटी पेनल्टी से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें ब्लू स्कोर मिल जाएगा। अब इसमें भी क्या होगा, अगर ये वाला केस हुआ कैंडिडेट सेंटेंस की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन रेफरेंस सेंटेंस हुई तो ये ब्रेविटी पेनल्टी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। लेकिन अगर कैंडिडेट सेंटेंस की लेंथ लेस देन रेफरेंस सेंटेंस होगी तो उस केस में यहाँ पर ये वाला टर्म जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पीएन क्या है, मॉडिफाइड प्रेसिजन फॉर एन ग्राम। यहाँ पर मॉडिफाइड प्रेसिजन यूज़ किया जा रहा है ये याद रखना, ना कि एन ग्राम प्रेसिजन। ब्लू, अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि ब्लू स्कोर ओनली यूटिलाइजेस ए ब्रेविटी पेनल्टी फॉर शॉर्टर सेंटेंस। शॉर्टर सेंटेंस के लिए तो वो ब्रेविटी पेनल्टी को यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है ब्लू स्कोर, लेकिन दी रिडंडेंट एंड लार्जेस्ट सेंटेंसेस आर नॉट पेनलाइज प्रॉपरली। अगर कोई रिडंडेंट सेंटेंस है यानी सेम वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है और उसकी लेंथ भी रेफरेंस सेंटेंस से ज़्यादा है तो रिडंडेंट सेंटेंसेस जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्स रिपीटेड होंगे और ज़्यादा होंगे रेफरेंस सेंटेंस से, तो ऐसे कैंडिडेट सेंटेंस जिसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन होगी रेफरेंस सेंटेंस से उनके लिए कोई भी पेनल्टी ऐड नहीं की गई है। जैसे रेफरेंस सेंटेंस में 3 वर्ड्स थे और कैंडिडेट सेंटेंस में 10 वर्ड्स हैं तो क्या इसके लिए कोई वर्क किया गया है, कोई पेनल्टी ऐड की गई है क्या, नहीं की गई है। तो ये एक लिमिटेशन है ब्लू स्कोर की।